सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार, मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। दोस्तों, केदारनाथ यात्रा या फिर चारधाम यात्रा कैसे करें, कब जाएं, बजट कितना होगा, ये सब तो आपको पता चल ही गया है। लेकिन यात्रा से पहले अपना बैग पैक कैसे करें, अपने साथ क्या क्या ज़रूरी मैंडेटरी आइटम्स आप कैरी करके लाएं। अगर यात्रा से पहले आपने अपनी बैग पैकिंग ठीक से या फिर ध्यान से नहीं की तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन आप अपनी फैमिली हो, ऐसे दिक्कत परेशानी कोई आने देंगे? तो ये वीडियो स्पेशली इसी से रिलेटेड होने वाली है कि अपने साथ क्या क्या कैरी करें। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखना, ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप ट्राई करें कि जो मैं आपको बताने वाला हूं आप किसी नोटबुक में नोट कर लें। जब बैक पैकिंग करें तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही करें। सो फर्स्ट है चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। इसके बिना तो आप यात्रा ही नहीं कर सकते हो। तो आप अपनी डेट ऑफ जर्नी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन जरूर करें और उसका PDF अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें, या फिर आप प्रिंट निकाल के अपने साथ भी रख सकते हो। नाउ आप किसी भी मंथ में चारधाम यात्रा करें, चाहे केदारनाथ जाएं, बद्रीनाथ जाएं, यमुनोत्री जाएं या फिर गंगोत्री धाम जाएं, तो अपने साथ विंटर क्लोथ, गर्म कपड़े जरूर कैरी करें। जिस भी स्टेट से हैं, जिस भी कंट्री से हैं, वहां का टेम्परेचर यहां ना लेकर चले। गर्म कपड़ों में आप जैकेट कैरी करें सबसे पहले। अब कुछ लोग कहते हैं किस कंपनी या फिर ब्रांड की जैकेट हम कैरी करें जिससे हमको ठंड में प्रॉब्लम ना हो सके, तो आप डिकैथलॉन से केशुआ की SH100X वार्म जैकेट ले सकते हो। वैसे स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। इस जैकेट को आप बाय कर सकते हो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। ये आपकी हेल्प करने वाली है और ये वाटरप्रूफ भी है। MRP है 1499 यानी 1500 रुपए ओनली। ये एक प्रोफेशनल ट्रैकिंग जैकेट है और कम पैसों में बहुत ही बेटर क्वालिटी आपको इसमें मिलने वाली है। सेकंड है वार्मर या फिर इनर, जरूर कैरी करें। टी शर्ट वगैरह आप बिल्कुल ना नीचे पहने, आप इनर ही वेयर करें। थर्ड, आप जीन्स तो बिल्कुल भी कैरी ना करें, ट्रैक पैंट या फिर लोअर ही कैरी करें। ये आपको कंफर्टेबली ट्रैक करने में हेल्प करेगी, बिकॉज चारों धामों में से दो धाम में आपको ट्रैक करना होगा। फर्स्ट है यमुनोत्री 6 to 7 kilometers ट्रैकिंग एंड सेकंड है केदारनाथ 20 to 22 kilometers की ट्रैकिंग करनी होगी। इसीलिए आप जीन्स वगैरह या फिर जो टाइट पैंट्स होती हैं उनको बिल्कुल भी वेयर ना करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। फोर्थ है रेनकोट। ये तो कंपलसरी आइटम है, बिकॉज वहां का वेदर कब बदल जाए इसका किसी को भी अंदाजा नहीं होता। तो एक अच्छी क्वालिटी और ब्रांड का आप रेनकोट कैरी करें। जो वहां पॉलिथीन वाले रेनकोट मिलते हैं उनको आप अवॉइड करें, वो बस कहने के ही रेनकोट होते हैं, लेकिन साथ वो भी बहुत देते हैं। फिफ्थ है अम्ब्रेला। ये कैरी कर भी सकते हो और नहीं भी। अगर एक अच्छा रेनकोट आपने बाय कर लिया है, अपने साथ कैरी कर लिया है, तो अम्ब्रेला की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिक्स आते हैं शूज, जिसमें सभी कंफ्यूज रहते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आप सेफली, कंफर्टेबली और पेनलेस ट्रैकिंग करना चाहते हो तो स्पोर्ट्स शूज या फिर फैशनेबल शूज तो बिल्कुल वियर मत करके आना, वरना परेशानी हो जाएगी। कोई भी अच्छे बेस्ट ब्रांड के ट्रैकिंग शूज ही आप बाय करें, कैरी करें। मैं दो ब्रांड आपको सजेस्ट कर देता हूँ। फर्स्ट है केशुआ का NH100 मिड कार्बन। ये आप एज अ बिगनर आंख बंद करके बाय कर सकते हो। मैं खुद पर्सनली इन्हीं ट्रैकिंग शूज को वेयर करता हूँ। प्राइस है 1499 यानी 1500 रुपए। सेकेंड है वाइल्ड क्राफ्ट का एल्कानो हाइपर ग्रिप मिड टॉप ट्रैकिंग शूज। ये शूज भी बेस्ट ट्रैकिंग शूज है, बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू केशुआ। प्राइस है 2474 यानी करीब 2500 रुपए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कोई भी या फिर किसी अदर ब्रांड का आप बेस्ट ट्रैकिंग शूज बाय करें। सेवेंथ है वार्म सॉक्सेस गरम जुराबे। ये आप अपने टूर के अकॉर्डिंग 4 to 5 pairs कैरी कर लें। एट्थ है स्लीपर्स। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप हर बार शूज तो वेयर नहीं करोगे, लाइक वॉशरूम जाना है या फिर बाबा के दर्शन करने जाना है, आरती अटेंड करनी है, तो एक पेयर ऑफ स्लीपर्स भी आप जरूर कैरी करें। बट याद रखें, स्लीपर्स पहन कर ट्रैकिंग ना करें बिल्कुल भी, ये हार्मफुल हो सकता है। नाइन्थ है ग्लव्स। ये भी एक एसेंशियल आइटम है और ट्राई करें कि आप वाटरप्रूफ ग्लव्स ही कैरी करें। टेंथ है विंटर कैप या फिर आप कहें वूलन कैप। ये भी एक एसेंशियल आइटम है,
बिकॉज वहाँ बर्फीली हवाएं चलती है तो उससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और साथ ही ट्राई करें कि एक गर्म मफलर भी आप कैरी कर लें। और हाँ, यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे केदारनाथ और टुंगनाथ वाले ग्रुप में ज्वाइन हो रहे हैं और जो ज्वाइन होना चाहते हैं, वो भी इन सभी आइटम्स को ज़रूर कैरी करें, क्योंकि ये सभी को कैरी करना बहुत ज़रूरी है केदारनाथ यात्रा के लिए। और आप जो लोग देख रहे हो और हमारे साथ कम बजट में केदारनाथ प्लस टुंगनाथ और भी कई सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस को कवर करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। ऊपर आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई हुई है। 20-24 मई के लिए हमारा ग्रुप हरिद्वार से इन सभी प्लेसेस के लिए निकलने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर भी मिल जाएगा, आप अदर इंक्वायरीज भी वहां कर सकते हैं। नावलाविन पॉइंट है ट्रैकिंग स्टिक, जो आपको वहां से भी मिल जाएगी, या फिर आप मेटलिक भी अपने साथ बाय कर सकते हो, ये भी एक हेल्पफुल इसेंशियल गियर है। इन सब के साथ ही आपका जितने भी दिन का टूर है उन सब के अकॉर्डिंग उतने पेयर के आप कपड़े कैरी कर लें। जैकेट आप ट्राई करें कि दो कैरी करें, ऐसे ही इनर स्वेटर, ट्रैक पैंट, लोअर और जो भी इसेंशियल आइटम है, गर्ल्स हो, बॉयज हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, ये आइटम तो सबको कैरी करने ही हैं। 12th पॉइंट आ जाता है बैगेज, तो देखो एक मेन बड़ा लगेज या फिर बैगेज कैरी करें, और सेकेंडरी एक छोटा स्मॉल बैग भी आप कैरी करें, जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और कोशिश करें, ट्राई करें कि आप ट्रैकिंग करते समय कम से कम सामान कैरी करें, जो एसेंशियल हो उनको ही आप कैरी करें, अदरवाइज आपको सोनप्रयाग में लॉकर की फैसिलिटी मिल जाती है, वहां आप उनको लॉकर में, क्लॉक रूम में रख सकते हो। 50 rupees फॉर स्मॉल बैग फॉर 24 hours, 100 rupees फॉर बिग लगेज, बिग बैगेज फॉर 24 hours। नाउ अब जो आपने छोटा बैग लिया है उसमें क्या क्या एसेंशियल आइटम आपको कैरी करनी है वो जान लीजिए। फर्स्ट है मेडिसिन लाइक पेन किलर, फीवर, कोल्ड, लूज मोशन, सिरप फॉर कफ, इनहेलर, डिस्प्रिन, मूव स्प्रे, बैंडेज, नी कैप, ऑक्सीजन कैन, या फिर आप कैम्फर कपूर भी रख सकते हो। 4 से 5 आप इलेक्ट्रोल के सैशे या फिर आप ग्लूकोज भी रख सकते हो। ये सभी आइटम्स आपको कैरी करने हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। ऑक्सीजन केन एंड कैम्फर वो लोग ज़रूर कैरी करें जिनको अस्थमा या फिर सांस लेने में, ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। इसके साथ ही आप ब्रश, टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, मॉइस्चराइजर, क्रीम, सैनिटाइजर, मास्क, टॉवल, फेस वॉश, ये भी आप ज़रूर कैरी करें, वहाँ मिलने में मुश्किल हो सकती है, और अगर मिल भी जाते हैं तो बहुत कॉस्टली होंगे, तो आप पहले से ही कैरी करके चलें अपने स्मॉल बैग में, छोटे बैग में। नाउ सेकंड ऑप्शन आता है छोटे बैग के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, इसमें आप एक पावर बैंक 10,000-20,000 mAh का आप ज़रूर कैरी करें। 20,000 mAh में मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ MI का पावर बैंक आप बाय कर सकते हो, 18 W की फास्ट चार्जिंग के साथ ये पावर बैंक आता है। साथ ही एक स्मॉल एक्सटेंशन बोर्ड भी आप ज़रूर कैरी करें, क्योंकि वहाँ आपको एक रूम में एक ही सॉकेट मिलने वाला है, तो अगर आप मोर देन 2 persons हैं और आपको अपना मोबाइल फ़ोन या फिर कुछ भी चार्ज करना है तो आप कैसे करोगे, इसलिए एक्सटेंशन बोर्ड भी आप ज़रूर कैरी करें, छोटे वाला। और साथ ही अगर आपके बैग में स्पेस है तो आप एक कैटल भी ज़रूर कैरी करें, जिससे आप प्लग इन करके पानी गर्म कर सकते हो, बिकॉज अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो वो वहाँ का पानी नहीं पी पाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है, बहुत ठंडा होता है, और अगर वहाँ किसी शॉप वाले से गर्म कराते हो तो आपसे नॉर्मली 50 rupees तो वो चार्ज करेगा ही। और एक हॉट एंड कोल्ड वाटर बॉटल भी आप कैरी करें, जिसमें आप गर्म पानी को स्टोर करके रख सकते हो, तो ये सभी आइटम आप ज़रूर कैरी कर लें। और एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आप टॉर्च भी कैरी कर लें। आई नो मोबाइल फ़ोन में भी फ्लैश लाइट होती है, बट डिफरेंस ये है कि वो फ्लैश लाइट होती है और केदारनाथ में फोकस लाइट की ज़रूरत होती है, तो ये भी आप कैरी कर लें, आपको इजीली ऑनलाइन या फिर किसी शॉप पे मिल जाएगी। नाउ अब बात करते हैं खाने पीने की, तो आप 100 grams के ड्राई फ्रूट्स कैरी कर लें, ये आपको एनर्जी देंगे, और कुछ बिस्किट्स, नमकीन, चॉकलेट्स और जो भी आपको पसंद है रख लें, क्योंकि वहाँ आपको सब कुछ ओवर कॉस्ट ही मिलने वाला है, बिकॉज शॉप वालों को भी कॉस्टली ही पड़ता है वहां तक पहुंचाने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो लोग अपने पर्सनल कैंप में स्टे करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको अकॉर्डिंग टू पर्सन एक कैंप रख लेना है, कैंप एंड पर्सन के अकॉर्डिंग मैट्रेस रख लेनी है,
एक टार्पोलिन रख लेना है और स्लीपिंग बैग और एक ट्रैवल पिलो या फिर एयर पिलो आपको कैरी करनी है अगर आप अपने पर्सनल कैंप में स्टे करने की प्लानिंग केदारनाथ के नियर बाय कर रहे हो। आई थिंक दोस्तों जो भी यूजफुल एंड मैंडेटरी आइटम्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप इनको जरूर कैरी करें। नाउ अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि भाई ट्रैक कैसे करें। तो फर्स्टली आप ट्राई करें कि 3 to 5 AM तक ट्रैक स्टार्ट कर दें ताकि आप डे के टाइम 2 or 3 PM तक टेंपल के नियर बाय पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, आप ट्रैक इजीली आराम आराम स्मॉल रेस्ट गैप लेकर ही करें और एक ही नॉर्मल स्पीड में करें, दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस ना होए, जितनी आपकी बॉडी कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रैक करें। टोटल ट्रैक डिस्टेंस है 20 to 22 किलोमीटर, वहां डिस्टेंस बोर्ड पर बिल्कुल भी आप भरोसा मत करना, वो आपदा आने से पहले वाले 16 किलोमीटर के ट्रैक के अकॉर्डिंग बोर्ड लगाए हुए हैं। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में आपको 8 to 12 hours लग जाएंगे, 8 hours उनके लिए जो ट्रैकिंग वगैरह करते रहते हैं माउंटेन्स पर पहाड़ों पर, और 12 hours उनके लिए जिन्होंने आज तक ट्रैकिंग नहीं करी। अब एक जरूरी बात जिसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम रात में भी केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं, इसका आंसर है नो। शाम 4 बजे के बाद बैरिगेटिंग लग जाती है, उसके बाद आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हो, लेकिन रात में केदारनाथ से गौरीकुंड रिटर्न आ जरूर सकते हो, लेकिन आना तब जब आप ग्रुप में हो, अकेले तो बिल्कुल भी मत आना भाई। दोस्तों सिर्फ यमुनोत्री और केदारनाथ धाम में ही आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पर ही दर्शन कर सकते हो, लेकिन ये जितने भी मैंने आइटम्स बताए हैं ये चारों धामों के लिए मैंडेटरी हैं। नाउ मेरी तरफ से मैंने आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड सभी तरह के डाउट, सभी तरह के आइटम्स जो आपको कैरी करने चाहिए वो बता दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो हमको कॉमेंट कर दो, इंस्टाग्राम पे DM कर दो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। वैसे आजकल मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, सच में दोस्तों बहुत बिजी शेड्यूल हो चुका है अभी मेरा। अगर कोई क्रिटिकल डाउट होता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, वहाँ मैं या फिर हमारी टीम मिलकर उस डाउट को क्लियर कर देंगे। और हाँ, इंस्टा पर किस किस ने फॉलो नहीं किया, अभी जाओ और फॉलो करो, सपोर्ट करो। आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, इसको सर्च कर लो या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओ, या फिर आप उत्तराखंड ब्यूटी भी सर्च कर सकते हैं, टॉप पर ही आपको अकाउंट मिल जाएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो आप इसको जरूर से लाइक कर देना, और इन फ्यूचर ऐसे ही हेल्पफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, इस फैमिली को बड़ा कर देना। जिन्होंने किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू, बट जो बस वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं आपको ऐसी किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।